नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आधार करेक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को जानकारी ना होने की वजह से आज भी वो लोग अगर अपने आधार कार्ड में कुछ भी करेक्शन करवाना चाहते हैं, जैसे नाम में हो गया, डेट ऑफ बर्थ में हो गया, जेंडर में हो गया या फिर एड्रेस में हो गया, ये सारी चीजों में करेक्शन करवाने के लिए वो लोग आज भी आधार सेंटर पर जाते हैं, आधार सेंटर पर विजिट करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम में आधार कार्ड में करेक्शन करना काफी आसान हो चुका है। अब आप अपने आधार कार्ड में अपने मोबाइल फोन के थ्रू ही मात्र घर बैठे ही आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं, कुछ भी अपडेट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पड़े हैं कि किस प्रकार आप अपने एड्रेस में करेक्शन कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कर सकते हैं, अपनी जेंडर में करेक्शन कर सकते हैं। आप जाकर इस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके आधार कार्ड के अंदर आपके नाम में गलती है तो आप किस प्रकार अपने नाम को ठीक कर सकते हैं, किस प्रकार अपने नाम में करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में लगातार बने रहे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, और चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आप अपने मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास में लैपटॉप है तो आप लैपटॉप के जरिए भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस को फॉलो करना है जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले रैंडमली आपको एक कोई भी अपना एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, और इसमें आपको टाइप करना है UIDAI। टाइप करके सिंपली आपको सर्च करना है। आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपके सामने जो फर्स्ट लिंक ओपन होगा इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप देखोगे UIDAI की ऑफिशियल साइट खुलकर आपके सामने आ जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं myaadhar.udidai.gov.in, सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप यहां पर देख सकते हैं वेलकम टू माई आधार की ये ऑफिशियल साइट पर आपको रीडायरेक्ट कर देगी। यहां पर आने के बाद में आप यहां पर देख सकते हैं आपको एक लॉगिन का आइकन दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं आप जिस आधार कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं, जिस आधार कार्ड में अपडेट का काम करना चाहते हैं, उस आधार कार्ड के नंबर आपको यहां पर फिल कर देने हैं। और इसके बाद में जो कैप्चर कोड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कैप्चर कोड आपको नीचे फिल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आप जैसे सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगी, तो ओटीपी को आपको यहां पर फिल करना है और नीचे लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों, आप जैसे ही लॉगिन के बटन पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप अपने आधार कार्ड से जुड़े सारे काम इस पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि बोले तो आपके आधार कार्ड की ये प्रोफाइल यहां पर ओपन हो चुकी है। तो यहां पर आप ऊपर प्रोफाइल का आइकन दिखाई दे रहा होगा, अगर इस प्रोफाइल के आइकन पर आप क्लिक करोगे तो आपको आधार कार्ड आपका यहां पर दिखाई देगा, और साथ ही साथ बैक टू फ्लिप पर क्लिक करोगे तो आपके बैक साइड का आधार कार्ड भी आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा। आप अपने आधार कार्ड में यहां से कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड को पीवीसी में ऑर्डर कर सकते हैं, आपके आधार कार्ड में कुछ भी चीज आप अपडेट कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड को लॉक अनलॉक, अपने आधार कार्ड की ईकेवाईसी, कंप्लीट चीजें आप यहीं से कर सकते हैं। तो आधार कार्ड में अपडेट करने के लिए, नाम में करेक्शन करने के लिए आपको यहां पर अपडेट आधार ऑनलाइन पर क्लिक करना है। आप जैसे अपडेट आधार ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इसके बाद में आपको यहां पर प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर देख सकते हैं आप अपने आधार कार्ड की कौन कौन सी चीजों में अपडेट कर सकते हैं, उनकी सारी लिस्ट यहां पर खुलकर आ चुकी है। तो आप यहां पर देख सकते हैं आप अपने नाम में अपडेट कर सकते हैं, जो कि यहां पर सामने लिखा हुआ है टू अपडेट लेफ्ट, यानी कि आप अपने आधार कार्ड में जो नेम है उसके अंदर मात्र दो ही बार अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ में आप अपडेट कर सकते हैं, जो कि आप एक बार ही अपडेट कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले यहां पर डेट ऑफ बर्थ में अपडेट कर दिया था। इसके बाद में आप जेंडर में अपडेट कर सकते हैं एंड एड्रेस में अपडेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने ऑलरेडी इन सभी चीजों पर वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं यहां पर आज आपको नेम में करेक्शन करके दिखाने वाला हूं। तो आप नेम में अपडेट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहां पर नेम वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, और नेम के साथ अगर आप जेंडर में या फिर एड्रेस में भी करेक्शन करना चाहते हैं तो आप साथ ही साथ ये दोनों चीजें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर मात्र नेम में अपडेट कर रहा हूं, नेम को सही कर रहा हूं, नेम को करेक्शन कर रहा हूं। तो यहां पर मैं नेम को सिलेक्ट करूंगा और यहां पर प्रोसीड अपडेट आधार पर क्लिक करूंगा।
इसके बाद में आप देखोगे आपके आधार कार्ड में जो पहले से नाम है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको जो नया नाम फिल करना है वो नया नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है, या फिर आपके पहले से पुराने वाले नाम के स्पेलिंग में कुछ गलती है तो आप स्पेलिंग को सुधार कर भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पर नाम फिल करोगे तो इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक ही नीचे हिंदी में नाम आपका फिल हो जाएगा। इसके बाद में आपको एक आईडी प्रूफ यहाँ पर अपलोड करनी होती है, तो आईडी प्रूफ के अंदर आप जैसे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करोगे तो आप इस लिस्ट में से देख सकते हैं, इस लिस्ट में से आपके पास में कोई भी एक आईडी है, जैसे कि आपका यहाँ पर भामाशाह कार्ड हो गया, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या फिर आपका कोई गजिटेड से सील साइन करवाया लेटर हो गया, या फिर आपके पास में कोई बैंक एटीएम कार्ड विथ कोई फोटो हो वो हो गई, बैंक पासबुक हो गई, इस लिस्ट में से आपके पास में जो भी कोई आपके पास में आईडी प्रूफ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर बैंक पासबुक पर क्लिक करूंगा एंड ओके के बटन पर क्लिक करूंगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आपने जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेलेक्ट किया है वो डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद में आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा। प्रीव्यू के अंदर आपने जो नया नाम फिल किया है वो नया नाम आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, और जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ सही है, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है, और अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में, चेंज करना चाहते हैं, तो एडिट के बटन पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे दो आपको चेक मार्क दिखाई दे रहे होंगे, इन दोनों चेक मार्क पर आपको क्लिक करना है एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ₹50 का चार्ज पे करवाना होता है, यानी कि आप अपने आधार कार्ड में अगर ऑनलाइन कोई भी अपडेट करते हैं तो उसके लिए आपको ₹50 का चार्ज पे करना होता है। तो नीचे इनकी टर्म्स पर आपको क्लिक करना है एंड मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। आप जैसे मेक पेमेंट पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डायरेक्ट आपको पेमेंट वाले पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। रीडायरेक्ट करने के बाद में आप किस चीज़ से पेमेंट करना चाहते हैं, यानी कि आपको पेमेंट गेटवे को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, तो हम यहाँ पर पेटीएम सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर जो ₹50 का चार्ज है वो यहाँ पर सक्सेसफुल तरीके से पे करवा देंगे। तो पे करने के लिए हम यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो ₹50 का चार्ज है हम यहाँ पर पे कर देंगे। दोस्तों सक्सेसफुल पेमेंट करने के बाद में आपको इसके होम पेज पर आ जाना है, और होम पेज पर आने के बाद में आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपने जो भी अपने आधार कार्ड में अपडेट किया है उसका स्टेटस आपको यहां पर नीचे दिखाई दे जाएगा, तो स्टेटस आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको मैं बता दूं, आप अपने आधार कार्ड में अगर इस पोर्टल के थ्रू कुछ भी अपडेट करते हैं तो 24 घंटे के अंदर यहां पर सक्सेसफुल तरीके से अपडेट हो जाता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार आप अपने आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अलावा आपका और भी कोई कंफ्यूज या फिर सवाल जवाब है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी ने हेल्पफुल वीडियो के साथ में, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।